हेलो फ्रेंड्स, अंजना के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसे। समोसे के लिए एक कप मैदा लगभग 200 ग्राम लिए हैं। इसमें रिफाइंड ऑयल आधा कटोरी डालेंगे, लगभग 2 चम्मच। इसमें अजवाइन क्रश करके डालें थोड़ी सी, और इसे आधा चम्मच नमक डालेंगे और सभी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हाथ से हम मिक्स कर रहे हैं, अच्छे से हाथ को साफ करके मैदा को मिक्स कर रहे हैं। और इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। ये मिक्स हो गई है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े से पानी डालेंगे और पूरी से थोड़ा कड़ा मैदा का डो लगाएंगे। मैदा का डो हो गई है। और इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं समोसा का मसाला बनाने के लिए। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएं, इसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल में हम बादाम फ्राई करके निकाल लिए हैं, को भी फ्राई कर रहे हैं, और इसे डाल करके हम ढक्कन से ढक दिए हैं। को भी हल्का फ्राई हो गई है। सभी गोभी को हम निकाल लिए हैं और इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को चटकने दें, आधा चम्मच जीरा डालें और जीरा को चटकने दें। 2 हरी मिर्च बारीक काट करके इसमें डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम स्लो कर दिए हैं। अदरक को घिस के डालें। हरा मटर को छील करके इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी। इसे भी फ्राई कर लेंगे। मटर को पकने तक फ्राई करेंगे। फ्राई हो गई है मटर। इसमें आलू छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। पूरा हम मैश करके नहीं डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। सभी आलू की इसी तरह से डाल देंगे और डाल करके चलाएंगे। इसमें गोभी भी फ्राई किया हुआ डाल दिए हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद के अनुसार नमक डालिए। नमक डाल करके और इसे भी चला लेंगे।
और इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डाल दिए और फ्राई किया हुआ बादाम भी इसमें डाल देंगे। फ्राई किया हुआ बादाम भी डाल दिए हैं। सभी मसाला बनकर रेडी हो गई। अब ये आटा को अच्छी तरह से इसे दो भाग में काट लेंगे और छोटी छोटी लोई बनाएंगे। ये छोटी छोटी लोई बना लिए हैं और ये भी आटा को हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। और एक लोई उठा करके हम इस तरह से अच्छी तरह से गोल करके बेलेंगे। पूरा गोल नहीं बेलना है, थोड़ा लंबा जैसा बेलना है। और ये आधा टुकड़ा उठाएंगे और इससे किनारे में हम पानी लगा करके इस तरह से कोन जैसा बनाएंगे और इसमें समोसा का मसाला भरेंगे। और चारों तरफ से किनारे पानी लगा करके इसे बंद कर देंगे। चारों तरफ से पानी लगा लिए हैं और इसे बंद कर देंगे। अच्छी तरह से चिपका दिए ताकि छानने के समय ये फटे नहीं। अब दूसरी लोई भी हम उठाएंगे और इसी तरह बेलेंगे। गोल आकार में नहीं बेलना है, इसे थोड़ा लंबा आकार में बेलेंगे। और चाकू से बीच से काट दिए। इसे भी किनारे में पानी लगा करके इसी तरह कोन बनाएंगे और समोसा का मसाला भरेंगे। और किनारे में पानी लगा करके इसे चिपका देंगे। इसे अच्छी तरह से चिपकाएंगे ताकि छानने के समय फटे नहीं। सभी समोसे को इसी तरह बना लिए और छानने के प्रोसेस में अब चलेंगे। इसमें रिफाइन ऑयल डाल करके छोटे से हम मैदा का टुकड़ा लिए और इसे तेल में डाल करके छानेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब गैस का फ्लेम स्लो करके समोसा इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम स्लो करके ही समोसा छानेंगे ताकि समोसा अच्छी तरह से पके। हाई फ्लेम करके छानने से ये अच्छी नहीं बनती है।
और इसे पलट देंगे। ये हल्का ब्राउन हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। समोसा बनकर रेडी हो गई है। एक समोसा हम तोड़ कर दिखा रहे हैं कितना अच्छा बनी है। आप इसे टमाटर के चटनी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।